सलमान खान वर्सेस सनी देओल सन राजवी देओल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी मुकाबला लेके आ चुका हूँ सामने। तो दोस्तों, एक तरफ है सनी देओल के छोटे बेटे राजवी देओल की फिल्म दोनों, तो दूसरी तरफ है भाईजान के फिल्म टाइगर 3। तो दोस्तों, जानिए किसने मारी बाजी बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक एडवांस बुकिंग ही चल रहा है टाइगर 3 का। जी हाँ दोस्तों, अभी तक एडवांस बुकिंग ही चल रहा है टाइगर 3 का, और अच्छा खासा एडवांस बुकिंग चल रहा है टाइगर 3 का। यानी कि दोस्तों, अभी तक एडवांस बुकिंग जो कि 15 करोड़ तक बताया जा रहा है, बॉलीवुड के क्रिटिक्स, बॉलीवुड के सोर्स, बॉलीवुड के हर कुछ बता रहे हैं कि अभी 15 करोड़ का एडवांस बुकिंग कर लिया है फिल्म। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 जो कि 15 करोड़ का एडवांस बुकिंग कर लिया है। सलमान खान, कटरीना कैफ, इमरान हाशमी की फिल्म है, और दोस्तों एक्शन से बनी तली फिल्म है टाइगर 3, जो कि थिएटर में रिलीज के लिए 12 नवंबर को तैयार है और महंगा बजट की फिल्म है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ है सनी पाजी के बेटे की फिल्म, जिनका कि 32वां दिन कंप्लीट हो चुका है, और 32वां दिन जो बॉक्स ऑफिस पे मात्र 3 लाख रुपए का बिजनेस करता है, और टोटल बिजनेस अभी तक हो जाता है दोनों फिल्म का। जी हाँ दोस्तों, टोटल मान यार दोस्तों 7.5 करोड़ का कलेक्शन कर चुका है अपने 32वें दिनों तक राजवी देओल की फिल्म दोनों। वही दोस्तों, दूसरी तरफ भाईजान की फिल्म जो कि एडवांस बुकिंग में ही पूरी तरह से 15 करोड़ का कलेक्शन करते हुए अभी तक दिख चुका है बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों, तुलना करूं तो भाईजान ही आगे निकल चुके हैं। यानी कि दोस्तों, सुपर स्टार होते हैं, पुराने स्टार होते हैं। तो दोस्तों, भाईजान की फिल्म टाइगर 3 जो कि आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। तो दोस्तों, मेरे पास तो यही सब लेटेस्ट न्यूज आते रहता है, सलमान खान, शाहरुख खान, जो भी यार बॉलीवुड स्टार हैं उसी का लेटेस्ट न्यूज लाते रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों अपने भाई को इजाजत, क्योंकि भाई मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो।